Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मार्तन सन टेम्पल. हम जानेंगे मार्तन सन टेम्पल के बारे में, इस टेम्पल का लोकेशन कहाँ है, ये क्यों न्यूज में है, सब कुछ हम कंसिडर करेंगे. तो कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर अ पूजा सेरेमनी अटेंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एट द प्रीमाइसेस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मार्तन सन टेम्पल इन अनंतनाग विद द एएसआई क्लेमिंग दैट इट वॉज इन वायलेशन ऑफ द रूल. एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गया जो पूजा सेरेमनी जिसको अटेंड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मनोज सिन्हा के द्वारा प्रीमाइस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मार्तन सन टेम्पल पे अनंतनाग पे, जिसको एएसआई क्लेम कर रहे हैं कि वो वायलेशन है रूल का. एएसआई आर्ग्यू दैट एज पर एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रूल ए प्रायर परमिशन वॉज सपोज टू बी सॉट. एएसआई का मानना है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन रूल के अनुसार प्रायर परमिशन जो है वो लेना चाहिए था. इस टेम्पल के बारे में हम जान लें, द 8th सेंचुरी मार्तन टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल इन इंडिया एंड अ सिंबल ऑफ इनवेल्युएबल एंशियंट स्पिरिचुअल हेरिटेज. जो 8th सेंचुरी का मार्तन टेम्पल है, ये सन टेम्पल है, ये आपका कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर पर लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोकेशन. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल में से एक है भारत का और ये एक सिंबल है इनवेल्युएबल एंशियंट स्पिरिचुअल हेरिटेज का. इट वॉज बिल्ट बाय ललितादित्य मुक्तापीटा इन 8th सेंचुरी एडी. द मार्तन सन टेम्पल इज सेड टू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर एंड वन ऑफ द होलियस्ट श्राइन ऑफ द कश्मीरी पंडित. इसको बिल्ड किया गया था ललितादित्य मुक्तापीटा के द्वारा 18th सेंचुरी एडी पे. तो किनके द्वारा बिल्ड करवाया गया था, कब, ये इंपॉर्टेंट है. तो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा 8th सेंचुरी एडी पे. मार्तन सन टेम्पल जो है वो माना जाता है कि एक एक्सीलेंट स्पेसिमेन है कश्मीरी आर्किटेक्चर का और ये श्राइन है कश्मीरी पंडित के लिए. ये जो टेम्पल है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सिकंदर शाह मीरी के द्वारा 14th सेंचुरी एडी पे. और जो इसका रूम्स है उसको मार्क किया गया कि एक साइट है नेशनल इंपॉर्टेंस का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंटानल वेटलैंड. तो हम जानेंगे पंटानल वेटलैंड के बारे में. द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड नोन एज पंटानल इज साउथ अफ्रीका इज एट रिस्क ऑफ कोलैप्स. जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है जिसको कि हम पंटानल के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ है, तो साउथ अमेरिका पे है. ये कोलैप्स के रिस्क पे है. तो कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज ड्यू टू अ सीरीज ऑफ लोकल एंड सीमिंगली माइनर डिसीजन दैट फेल टू अकाउंट फॉर देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑन वन अर्थ मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम. ये इसलिए हो रहा है कि बहुत सारा जो लोकल और सिमिलिंग माइनर डिसीजन जो लिया गया ये फेल कर गया, नहीं सक्सेस हो पाया अकाउंट करने में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को अर्थ के मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए. इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड. और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है, तो कौन सा है पूछा जा सकता है. तो पंटानल कहां पे है, साउथ अमेरिका पे है. इट इज फेड थ्रू द पराग्वे रिवर एंड ट्रिब्यूटरी. इसको फेड किया जाता है पराग्वे रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा. इट इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल हेरिटेज बाय द ब्राजीलियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज रीजन हु शुड बी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. इसको डेजिग्नेट किया गया एक नेशनल हेरिटेज के तौर पर ब्राजीलियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और इसको रेस्ट्रिक्टेड यूज रीजन भी डिक्लेयर किया गया है जिसको इकोलॉजिकली सस्टेनेबल कहा गया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो वेट प्रोक्योरमेंट काउजन इफेक्ट. जो लो वेट प्रोक्योरमेंट हुआ इसका क्या काउजन इफेक्ट है. वेट प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसी इज सेट टू डिप टू अ 15 ईयर लो इन द करेंट मार्केटिंग सीजन फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई स्केल लास्ट ईयर. जो वेट प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इस साल वो डिप कर रहा है, 15 साल के लो पे है करेंट मार्केटिंग सीजन पे. ये ऑल टाइम हाई स्केल था लास्ट ईयर, उससे बहुत लो है. नंबर क्या है, तो लाइकली प्रोक्योरमेंट जो इस साल होगा वो उम्मीद किया जा रहा है कि 18.5 मिलियन टन के अप्रोक होगा. ये जो है पहली बार है कि वेट प्रोक्योर जो किया जा रहा है न्यू क्रॉप का 18.5 मिलियन टन है, जो कि लेस है पब्लिक स्टॉक जो कि स्टार्ट होता है मार्केट सीजन का 19 मिलियन टन से, यानी जो पब्लिक स्टॉक होना चाहिए उससे कम है. दिस इज ऑल्सो ए 15 ईयर लो. दिस इज द लोवेस्ट सिंस द 11.1 मिलियन टन बॉट इन 2007-08. और ये जो है 15 साल के लो पे है, लोवेस्ट है जो 11.1 मिलियन टन था 2007-08 के समय में, उस समय के लिए. Why this low weight procurement this year? क्यों ये जो है low weight procure हुआ इस साल. तो राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड, जो बढ़ा है एक्सपोर्ट का डिमांड, ये एक रीजन है सबसे बड़ा. तो जो कि मेनली हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के कारण. ये जो वॉर है इसने स्काई रॉकेट कर दिया प्राइस को और इंक्रीज कर दिया डिमांड को इंडियन ग्रेन्स का. फार्मर जो थे वो पाए इसको कि मोर प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट करना उनके ग्रेन्स को. लोअर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है. ए सडन स्पाइक इन टेम्परेचर फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ मार्च व्हेन द क्रॉप वाज इन ग्रेनिंग फिलिंग स्टेज विद द कर्नल स्टिल एक्युमुलेटिंग स्टार्च प्रोटीन एंड अदर ड्राई मैटर हैज टेकन ए टोल ऑन यील्ड. और जो सडन स्पाइक हुआ टेम्परेचर का सेकंड हाफ से मार्च का, जब क्रॉप जो था अपने ग्रेन फिलिंग स्टेज में था, जो कर्नल थे उसमें स्टिल एक्युमुलेट कर रहे थे स्टार्च प्रोटीन और अदर ड्राई मैटर को, जिसने टोल कर दिया यील्ड को. इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, इम्पैक्ट पड़ा अवेलेबिलिटी के ऊपर भी. दिस वुड अफेक्ट द मिनिमम ऑपरेशनल स्टॉक कम स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी. ये इफेक्ट करेगा जो मिनिमम ऑपरेशनल स्टॉक कम स्ट्रेटेजिक रिजर्व है गवर्नमेंट के एजेंसी का. इसका प्रभाव आप देख सकेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील और अनदर रेगुलर वेलफेयर स्कीम के ऊपर.
विल फार्मर बेनिफिट, क्या जो ये एक्सपोर्ट बढ़ा क्या इससे फार्मर को बेनिफिट हुआ था। फार्मर विल सर्टेनली बेनिफिट फ्रॉम दिस सिनेरियो एज दे आर बीइंग ऑफर्ड एट प्राइस अबव द एमएसपी। एमिड द रशियन यूक्रेन क्राइसिस न्यू मार्केट इन कंट्रीज लाइक इजराइल, इजिप्ट, टंजानिया, मोजाम्बिक हैव ओपन्ड अप फॉर इंडिया। फार्मर जो उसको सर्टेनली बेनिफिट तो मिलेगा ही, जो नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसको इसमें जो ऑफर प्राइस है वो एमएसपी से ऊपर हो गया है। जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस है इसके कारण नया मार्केट जो है क्रिएट हुआ है इजराइल, इजिप्ट, टंजानिया, मोजाम्बिक जैसे कंट्री में, तो जिसके कारण प्राइस तो बढ़ना ही है। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड इफ प्राइवेट ट्रेडर कंटिन्यू टू बाई अबव एमएसपी इवेंचुअली दैट कुड स्टॉक इन्फ्लेशन। लेकिन क्या होगा अगर प्राइवेट ट्रेडर्स जो कंटिन्यू अगर बाई करेंगे अबव एमएसपी के, तो इसके कारण स्टॉक में इन्फ्लेशन आ जाएगा। हम वेट के बारे में जान ले, तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है भारत का राइस के बाद। वेट इज ए रबी क्रॉप दैट रिक्वायर ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। वेट जो है ये एक रबी क्रॉप है जिसको आवश्यकता होती है कूल ग्रोइंग सीजन की और ब्राइट सनशाइन की राइपनिंग के दौरान। टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सोइंग के समय पे, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के समय पे ब्राइट सनलाइट के साथ। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होना चाहिए। सॉइल टाइप कौन सा होना चाहिए वेट के लिए, तो वेल ड्रेन फलताइल लोमी एंड क्लेई सॉइल जो है गंगा सतलज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन का जो देखने का वो वेल सुटेड सॉइल टाइप है वेट के ग्रोन के लिए। फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज इन वेल कल्टीवेशन इन इंडिया, क्या फैक्टर था जिसके कारण इंक्रीज हुआ है वेट का कल्टीवेशन भारत में, तो सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप स्पेशली वेट। तो सक्सेस था ग्रीन रिवोल्यूशन का, इसने कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ में रबी क्रॉप का स्पेशली वेट का। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट वेट कल्टीवेशन। और जो मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था, ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिसने सपोर्ट किया था वेट के कल्टीवेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली दी 161st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन। अभी हाल ही में कुछ समय पहले 161st बर्थ एनिवर्सरी जो था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, इसको सेलिब्रेट किया गया था पूरे नेशन पे। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861। उनका जन्म जो था वो 7 मई 1861 को हुआ था। हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के अर्ली लाइफ के बारे में। पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, ही वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली। पॉपुलरली रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म एफ्लुएंट फैमिली में हुआ था। टैगोर वॉज प्राइमरली नोन एज ए राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसोफर एंड एस्थिसियन, म्यूजिक कंपोजर एंड कोरियोग्राफर, फाउंडर ऑफ ए यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती एंड ए पेंटर। टैगोर को प्राइमरी जाना जाता था एक राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसोफर, एस्थिसियन, म्यूजिक कंपोजर एंड कोरियोग्राफर। इन्होंने फाउंड किया था एक यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विश्व भारती, और ये पेंटर भी थे। टैगोर रोइट हिज फर्स्ट पोएट्री एज हिज पब्लिश हिज फर्स्ट पोयम एज 16 अंडर द पेन नेम भानुसीमा। टैगोर ने लिखा था अपना पहला पोएट्री को और उन्होंने पब्लिश किया था अपने पहले पोयम को 16 के एज में पेन नेम भानुसीमा के। ही हैज स्पोकन एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन इन द ईयर 1929 एंड 1937। उन्होंने स्पोक किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन पे 1929 और 1937 पे। कंट्रीब्यूशन क्या इनका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, उन्होंने लिखा है नेशनल एंथम भारत और बांग्लादेश के लिए। ही लेफ्ट हिज इम्प्रिंट ऑन आर्ट एंड प्ले अ रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इट प्रैक्टिसेस एंड अशरिंग इन टू मॉडर्निज। उन्होंने एक प्रभाव डाला है आर्ट के ऊपर और प्ले किया एक रोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके प्रैक्टिसेस को और असर करने के लिए मॉडर्निज्म को। बिटवीन 1928 एंड 1940 रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड मोर देन 2000 इमेजेस। ही नेवर गेव एनी टाइटल टू हिज पेंटिंग। और 1928 से 1940 के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था मोर देन 2000 इमेजेस को, लेकिन उन्होंने कभी भी टाइटल नहीं दिया था अपने किसी भी पेंटिंग को। एक्सप्रेशनिज्म इन यूरोपियन आर्ट एंड द प्राइमेटिव आर्ट ऑफ एंशियंट कल्चर इंस्पायर्ड हिम। जो एक्सप्रेशनिज्म था यूरोपियन आर्ट पे और जो प्राइमेटिव आर्ट था एंशियंट कल्चर का, उससे इनको इंस्पिरेशन मिला था। जो अवार्ड इनके द्वारा जीता गया था, तो इन 1913 ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज नोबेल गीतांजलि। 1913 में ये पहले भारतीय बन गए थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर पे उनके नोबेल गीतांजलि के लिए। रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इनका क्या योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल पे। ही डिनाउंस ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, येट ही डिड नॉट फुली सपोर्ट और एग्री विद द गांधी एंड हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने डिनाउंस किया था ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को, वो पूरी तरीके से सपोर्ट या एग्री नहीं कर रहे थे गांधी से और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। व्यूड ब्रिटिश रूल एज ए सिम्टम्स ऑफ द ओवरऑल सिकनेस ऑफ द टोटल डिजीज ऑफ द पब्लिक। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है ये एक सिम्टम है ओवरऑल सिकनेस का, टोटल डिजीज का पब्लिक का। इन हिज राइटिंग ही ऑल्सो वॉइस इज सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, और अपने राइटिंग में उन्होंने वॉइस किया था अपना सपोर्ट दिखाया था इंडियन नेशनलिस्ट के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर रॉट दिस सॉन्ग
Bangalar, Maitri, Bangalar, Jol, Soil of Bengal, Water of Bengal to unite the Bengali population after Bengal partition in 1905. Ravindranath Tagore ने लिखा था जो सॉन्ग था बंगलार माटी बंगलार जोल सॉइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल यूनाइट करने के लिए बंगाली पॉपुलेशन को बंगाल के पार्टीशन के बाद 1905 में. He also wrote the poem Amar Sonal Bangla which helped ignite a feeling of nationalism among people. उन्होंने लिखा था फेमस अमर सोनार बांग्ला को भी जिसने मदद किया था इग्नाइट करने में एक फीलिंग को नेशनलिज्म का पीपल के बीच में. He started the Rakhi Utsav where people from Hindu and Muslim community tied colorful threaded on each other wish. इन्होंने स्टार्ट किया था राखी उत्सव को भी जहाँ पे जो पीपल थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के वो टाइड कर रहे थे कलरफुल थ्रेड को एक दूसरे के वृक्ष पे. टैगोर रिजेक्टेड वायलेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एज वेल एज रिनाउंस द नाइटहुड दैट हैड बीन गिवन टू हिम बाय लॉर्ड हार्डिंग इन 1915 इन प्रोटेस्ट ऑफ द वायलेंस अमृतसर मैसेकर एंड विच द ब्रिटिश किल्ड एटलीस्ट 1526 अनआर्म्ड इंडियन सिटीजन. और टैगोर ने रिजेक्ट टैगोर जो थे वो हमेशा से रिजेक्ट करते थे वायलेंस को ब्रिटिश के द्वारा जो किया गया था इसके कारण उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अपने नाइटहुड के टाइटल को भी जो कि उनको दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1950 में. तो कब दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रोटेस्ट जो वायलेंस हुआ था अमृतसर मैसेकर के दौरान जिसमें ब्रिटिशर्स ने किल किया था 1526 अनआर्म्ड इंडियन सिटीजन को इसके कारण उन्होंने अपना जो नाइटहुड का उपलब्धि था उसको त्याग दिया था. The commencement of Tagore belief and work in the idea that anti-colonialism cannot simply be achieved by rejecting all things British, but should consist of incorporating all the best aspect of Western culture into the best of Indian culture. जो कॉर्नर स्टोर था टैगोर का मानना था कि जो वर्क है आइडिया का एंटी कॉलोनीज़ का वो सिंपली नहीं अचीव किया जा सकता रिजेक्ट करके सारे ब्रिटिश के थिंग्स को बल्कि हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना होगा जो बेस्ट एस्पेक्ट है वेस्टर्न कल्चर का बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर के लिए. फ्रीडम का क्या मतलब था टैगोर के लिए? फ्रीडम का ये सिंपली मतलब नहीं है पॉलिटिकल फ्रीडम ब्रिटिश से. ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है कि जो एबिलिटी और ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्ट का और ऑटोनोमी जो है लूज कर रहा है इसके वर्ल्ड को हर एक फॉर्म पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना कंप्लीट 7 ईयर. ये तीनों योजना जो है इसने कंप्लीट कर लिया 7 ईयर तो इसके बारे में हम जानेंगे. अभी हाल ही में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना इन तीनों ने कंप्लीट किया 7 ईयर को इसके लॉन्च का. तो हम जानेंगे इन तीनों स्कीम के बारे में. ये जो स्कीम था इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मई 9, 2015 में. तो कब लॉन्च किया गया था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2015 में. जो बेसिक डिटेल्स इस स्कीम का एक एक करके कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में. ये एक 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम था जो कि रिन्यूएबल था ईयर टू ईयर बेसिस पे. ये ऑफर कर रहा था कवरेज को डेट अगर किसी भी रीजन से होता है तो. एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या था? इंडिविजुअल जिसका एज जो है 18 से 50 ईयर्स के बीच में होगा जिनके पास सेविंग बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा वो इन टाइटल है इनरोल कराने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत. लाइफ कवर जो है ₹2 लाख का होगा अगर डेथ हो जाता है तो किसी भी रीजन से. प्रीमियम इसका ₹330 पर एनम का होगा. अचीवमेंट इसका क्या है तो 12.76 करोड़ इनरोलमेंट हो चुका है जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. तो ये आपका 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम था जो कि रिन्यूएबल था ईयर टू ईयर बेसिस में. ये ऑफर करता है कवरेज को डेथ या डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट के कारण होता है तो. एलिजिबल इसके लिए कौन होंगे तो इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स हैविंग अ सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर इंटाइटल टू इनरोल अंडर द स्कीम. और जो इंडिविजुअल जिनका एज जो है 18 से 70 इयर्स के बीच में है जिनके पास सेविंग बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा वो इंटाइटल है को एनरोल करा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत. एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ ₹2 लाख ₹1 लाख इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट. और इसमें एक्सीडेंटल डेंटल कम डिसेबिलिटी कवर है ₹2 लाख का. ₹1 लाख अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होता है डेथ और डिसेबिलिटी अगर एक्सीडेंट के कारण होता है तो. अचीवमेंट इसका क्या है तो 28.37 करोड़ इनरोलमेंट हो चुका है इस स्कीम में. अटल पेंशन योजना इज सीक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कवर फ्यूचर एक्सीजेंसी फॉर द पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये जो है ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और कवर करेगा फ्यूचर एक्सीजेंसी को पीपल के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे. अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम. अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर किया जा रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा. ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है तो ओपन है सारे बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जिनका एज जो है 18 से 40 ईयर्स के अगर बीच में है तो. अचीवमेंट इसका क्या है अभी तक 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है अटल पेंशन योजना के लिए भी. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.